guys, a very important question of the type A sin x plus B cos x plus C upon P sin x plus Q cos x plus R. ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा. पहला स्टेप क्या होता है, न्यूमरेटर को किसके बराबर लिखो, A into डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस टू sin x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस c, c आ गया मेरे पास कॉन्स्टेंट. पहला स्टेप समझ आ गया सबको सब्स्टिट्यूशन का. न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c. पहला स्टेप क्लियर है. सेकेंड स्टेप, कॉफिशियंट कंपेयर करो. इधर कॉन्स्टेंट क्या है बेटा, 2. इधर कॉन्स्टेंट क्या है, 3b प्लस c. इधर कॉस का कॉफिशियंट 3. इधर कॉस का कॉफिशियंट a प्लस 2b. इधर साइन का कॉफिशियंट 0. और इधर साइन का कॉफिशियंट माइनस 2a प्लस b. बोलो यस और नो. इसको मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन लगा रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, इसको कर दो 2 से. ये बना 3 इज इक्वल टू a प्लस 2b, 0 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b. चेंज ऑफ साइन, ये कटा, 5a इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी 5a इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ गया 3/5. पहला क्लियर हो गया स्टेप. अब क्या ढूंढना बेटा इसमें, b ढूंढना है, पुट कर दो. 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3/5 प्लस b, तो b बन गया भाई 6/5. अब c ढूंढना, इसमें पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6/5 प्लस c, 2 माइनस 18/5 इज इक्वल टू c, c बना माइनस 8/5. बोलो जी, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी. अगले स्टेप क्या है, न्यूमरेटर को तीन टर्म्स में दिखाना हमने. पहली टर्म इंटीग्रल का न्यूमरेटर, भाई साहब a इंटू इसका डेरिवेटिव, यस और नो, तो 3/5 कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, अंदर क्या गया बेटा, cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3. भाई ए वाला पार्ट हो गया. अब बी की बात, बी में लिखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, मतलब बी लिखने की जरूरत, सिर्फ उसका बी वैल्यू लिखो, वो क्या आया 6/5. क्या ये स्टेप समझ आया, डिनोमिनेटर कट ही जाने हैं तो क्यों लिखने दो दो बारी. अब तीसरा पार्ट क्या बना, माइनस 8/15. इंटीग्रेशन में क्या आया, डी एक्स ओवर 8/5, सॉरी. ठीक है जी, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3. अब देखो हमारे सामने एक ही टाइम पे तीन क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, ये टी और ये क्या है, तो एल एन टी लग जाएगा, तो इसका आंसर आया 3/5 एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3. सही है, 6/5 कॉन्स्टेंट बाहर आया, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स. तीसरी टाइप कौन सी बनी, डी एक्स ओवर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी. क्या करना है, साइन एक्स को टेन में और कॉस एक्स को टेन में. अब यहां पे बना 8/5 डी एक्स ओवर साइन एक्स को क्या लिखूं, 2 टेन एक्स बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस को 2 इंटू कॉस एक्स 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 3. यहां तक समझ आया सबको, बोलो. ये एज इट इज, ये एज इट इज चलने दो. 8/5 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम लेके ऊपर गया, ऊपर जाते क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2. वेरी गुड रक्षित, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन यहां आया 2 टेन एक्स बाय 2, यहां आया 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 3. बोलो जी. अब यह बना माइनस 8/5, इसको लो टी
टी और इसका ये क्या बना डी टी और इंटू टू आ जाएगा, याद है सीकेंट टेन का डेरिवेटिव टेन एक्स बाई टू का सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू, तो इंटू वन बाई टू बाहर आना था नहीं एट बाई टेन बना, थैंक यू बेटा एट बाई टेन सही है फोर बाई फाइव बन गया। अब ये बना डी टी अपॉन ये बना माइनस टू टी टू स्क्वायर टी टू टी स्क्वायर सॉरी प्लस टू टी प्लस फाइव सही है। अब इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करो तो हमेशा बेटर है, कैसे करो माइनस टू कॉमन किया तो बाहर बना टी स्क्वायर माइनस टी माइनस फाइव बाई टू, क्या ये स्टेप समझ आया सबको बोलो माइनस टू बाहर अंदर बना कंप्लीटिंग द स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी का हाफ वन बाई टू वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर वेरी गुड यार हाँ जी प्लस वन बाई फोर माइनस फाइव बाई टू इसका एंगल हिल गया होगा नहीं कवर नहीं होगा हाँ जी माइनस टू टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है चेक करो माइनस टेन बाई फोर माइनस टेन बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस इलेवन बाई फोर तो माइनस रूट इलेवन बाय टू का होल स्क्वायर सही है भाई ये माइनस अब अंदर ले जाओ टू बाहर रहने दो माइनस अंदर लेके गए तो क्या बना रूट इलेवन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस क्या ये बात समझ आई सबको तो ये पार्ट मेरा बना माइनस टू नीचे बाहर आया तो माइनस एट बाई ट्वेंटी अंदर डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ इलेवन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर ये एज इट इज चलने दो ये बन गया फोर टू जा एंड फाइव जा माइनस टू बाई फाइव यहां क्या बना भाई कौन सा मामला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट वो है तो वन बाई टू ए फॉर्मूलास वन बाई टू ए मतलब इसका रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट इलेवन ठीक है एल एन ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस सी सही है बेटा ये टू से टू कटा गॉट इट तो ये माइनस टू बाय फाइव रूट इलेवन। अब यहां पे एलसीएम देखो टू टू कट जाएगा एलसीएम लेके बना गया रूट इलेवन रूट इलेवन प्लस टू टी माइनस वन ओवर रूट इलेवन प्लस टू माइनस टू टी प्लस वन। अब लास्ट में क्या कर दो टी की जगह सब्सटीट्यूट क्या था सब्सटीट्यूट कल भी यही गलती पॉज करना है कल भी यही गलती कर ठीक होगी गाइस यहाँ पे गलती कर गए हम एलसीएम के दौरान थ्री इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आना था वो मिस कर गए तो टेक्निकली यहाँ से आके हम मिस्टेक कर गए क्वेश्चन में तो लेट्स फिगर इट आउट कि वापस जो हम कर रहे थे वो करना चाहिए कि नहीं देखते हैं माइनस एट बाय फाइव ये बना सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन टू टेन एक्स बाय टू प्लस टू माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू सही है बेटा। अब नोटिस करो थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू सही है बेटा यहां लिख रहा हूं टेन स्क्वायर एक्स बाय टू उसके बाद प्लस टू टेन एक्स बाय टू और थ्री प्लस टू फाइव ये बन रहा है तो पहले से थोड़ा बेटर हो गया नेगेटिव नहीं आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर तो माइनस एट बाय फाइव टेन एक्स बाय टू को हमने टी ले लिया तो इसका वन बाय टू नीचे आया टेन एक्स बाय टू का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू सीकेंट स्क्वायर ऑलरेडी है तो ऊपर बना डी टी और नीचे बना टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव और आपको पता है टू इसका हाफ
वन और उसका स्क्वायर वन, तो इसको लिख सकता था वन प्लस फोर, बोलो बेटा सही है। तो ये बना माइनस फोर बाय फाइव इंटीग्रेशन के अंदर डी टी अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो इसकी जगह बना वन बाय ए मतलब वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स बाय ए टी प्लस वन अपॉन टू प्लस सी, तो ये टू पे गया, तो ये एज इट इज टर्म आ गई मेरी आंसर में, थ्री बाय फाइव एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स बाय फाइव एक्स माइनस टू बाय फाइव टेन इनवर्स टी की जगह क्या लिखूं बेटा, टेन इनवर्स एक्स बाय टू, तो टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस वन अपॉन टू प्लस सी, दैट्स माय आंसर। तो वहां हम गलती कर गए कि एलसीएम लेने के दौरान थ्री नहीं लिया, करिए नोट।